बिहार मिथिला न्यूज पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें बीएमपी 13 में आज 52वां स्थापना दिवस है और यहां देखिए पूरी तरह ये तैयार है। आज यहां परेड होगा, विशेष पूरी तरह सज धज कर प्ले ग्राउंड तैयार है और इसमें कई ऐसे जो यहां का जो कार्यक्रम है आज स्थापना दिवस को लेकर के हम पूछने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। और 1971 में सिपाही की स्थापना दरभंगा में हुई थी और ये बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक पहुँच गया है, 52 साल हो गए हैं। तो आज वही सुबह में परेड होगा, परेड इस्लामी हमारे समस्ता महोदय लेंगे। उसके बाद से यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम है, मेडिकल कैंप है, सजावट किया जाएगा बिल्डिंग वगैरह का। साथ ही साथ हमारे यहाँ काफ़ी लोग प्रमोट हुए हैं अभी विभिन्न पदों पर, हवलदार में, सिपाही से हवलदार में, हवलदार से ASI में, ASI से सब इंस्पेक्टर में, सब इंस्पेक्टर में, तो सभी की पिपिंग जो होता है पाइपिंग, तो उसका भी प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और सबानंद साहब सबको लगाएंगे, अपना स्टार लगाएंगे और यही सब प्रोग्राम है। कौन कौन यहाँ आने वाले हैं आज? विशेष में नहीं, हमारे बटालियन का अंतर इंटरनल चीज़ है तो कमांडेंट साहब परेड की सलामी लेंगे। तुम बता दें ये दिलीप कुमार झा DSP और इनके साथ और भी कई लोग होंगे जिनसे जी, क्या लगता है आज कितना खुशी का माहौल है, कितना एनर्जेटिक होंगे ये? बहुत खुशी का माहौल है और एनर्जेटिक है। हम लोग का स्थापना दिवस है आज, BSF 13 का स्थापना दिवस है, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग बहुत उत्साह में हैं, बहुत खुश हैं आज। अच्छा, आज जो पुलिसकर्मी हैं, तमाम पुलिसकर्मी जो आज परेड जिनका होगा, उनको किस तरह का उन संदेश देने का प्रयास किया जाएगा आज के इस 52वें स्थापना दिवस पर? कि पूरे उमंग उत्साह के साथ पूरे साल भर काम करेंगे और बटालियन का नाम को और उज्ज्वल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि आज बहुत लोगों को यहाँ प्रमोशन मिला है, आज उनका भी समारोह है, उनको स्टार लगाया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। बता दें DSP संतोष कुमार हैं और भी ये, तो आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या लग रहा है कि कितने एनर्जेटिक होंगे ये लोग आज के कार्यक्रम के बाद? BMP 13 का स्थापना दिवस है, उसी में मैं एज ए गेस्ट आया हूँ। स्वाभाविक है कि इस वाहिनी का स्थापना दिवस है तो सभी लोग एनर्जेटिक हैं, कुछ लोगों को प्रमोशन मिला है उसकी भी खुशी है। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी की तरफ से तो और क्या विशेष प्रशिक्षण या किस विशेष संबोधन करेंगे? संबोधन की बात नहीं है, हम लोग आज गेस्ट आए हैं और सर संबोधन करेंगे और यह स्थापना दिवस पर बोला गया कि आप लोग आइए, तो हम लोग आइए अतिथि आए हैं। यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी में भी जाते हैं, हम लोगों को वहाँ पर, तो किस तरह की वहाँ की व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था अलग है, या वहाँ बताया जाएगा? पहले यहाँ के लोग जाते थे, अब स्पेशली एक वाहिनी बनी है स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसके लोग वहाँ एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। तो पहले यहाँ की एक जी कंपनी थी, इन लोग का भी अच्छा काम था जी। अब तो हम बता दें उन तमाम पुलिसकर्मी जिन लोगों को, उसे भी हम जाने का प्रयास करेंगे कि आज आपको भी प्रमोशन मिला आज, क्या ये आज आपको प्रमोशन मिला है आज जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम इसी बटालियन के सिपाही थे। अच्छा। और इसी बटालियन में 3 को प्रमोशन हुआ, इसी में आपको? हाँ, हवलदार बने इसी बटालियन में। अच्छा। सब इंस्पेक्टर इसी में बने और इसी में इंस्पेक्टर बन गए, इंस्पेक्टर बन गए। अच्छा, कोई ऐसा कार्य आपको लगा होगा कि जब आप काम किए होंगे कभी ऐसा जगह जहाँ पर BMP 13 की इज्जत प्रतिष्ठा का सवाल होगा, उस समय आपने वहाँ जान जोखिम में डालकर काम किया होगा? हाँ। कौन सा ऐसा जगह? बहुत जगह, जैसे बाढ़ पीड़ित हुआ, उग्रवाद क्षेत्र हुआ इसमें। अच्छा। जैसे बड़े बड़े परेड होता है तो बटालियन का स्तर का प्लाटून रहता है। अच्छा। तो उसमें जान दे दिया जाता है, चाहे अखौड़ी शूटिंग हुआ, पुलिस ड्यूटी में हुआ, इसे बटालियन का स्तर से काम किया जाता है। तो आज आप काफ़ी खुश हैं, तो और बता दें आज आपको भी मिला है, तो कितने आप इसी बटालियन में थे आप इसी? जी नहीं, मैं मुजफ्फरपुर BMP 6 में बहाल हुआ था 25/4/90 को, तत्पश्चात मेरा स्थानांतरण झारखंड, अभी वर्तमान में जो झारखंड हो गया, उस समय संयुक्त बिहार ही था, उस समय झारखंड में मैं BMP 17 हजारीबाग चला गया, फिर उसके बाद वहाँ से स्थानांतरित होकर यहाँ आए। लगभग 34 वर्ष के बाद हम सब इंस्पेक्टर हुए हैं और काफ़ी खुश हैं और समय समय पर प्रोन्नत होना चाहिए। जिस आप लाइफ में कोई ऐसा कहानी बता सकते हैं जिस समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों को, आप उस समय काम किए, कुछ ऐसी घटना जिस पर जान जोखिम में डाल करके आपने काम किया होगा? हम लोग ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन में काम किए हैं, जैसे औरंगाबाद, गया, इस सब जगह जिस समय काफ़ी उग्रवाद
का माने ये चल रहा था उस समय हम लोग वहाँ काम किए हैं, औरंगाबाद गया सब जगह पर हम लोग जो है सो ऑपरेशन किए हैं और काफ़ी मेहनत किए हैं, पहाड़ों पर चढ़ चढ़ करके हम लोग ऑपरेशन का काम किए और जो विधि व्यवस्था के ड्यूटी में जो है हम लोग अपने तन मन धन से जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और काम किए। तो हम बता दें कि आज देखिए कितने खुशी है, आज कितना खुशी, 52वां स्थापना दिवस है आज बीएमपी 13 जिसमें। अब और बता दें कि आज का ये दिन क्या संदेश देंगे आप, क्योंकि आप प्रमोटेड हुए हैं, तो जो आपके नीचे हैं उन लोगों को क्या संदेश दे पाएंगे? आज के दिन बहुत ही हर्ष का दिन है, विगत 5 वर्ष से प्रमोशन बाधित था और सरकार के द्वारा प्रमोशन खोला गया, तो आज और हर्ष का दिन है कि हमारे बटालियन का रेजिंग भी है और आज ही के दिन हम लोग प्रमोट भी हुए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा, आपका कोई ऐसा अनुभव जिसमें आपने काम किया होगा, जहां आपने जान जोखिम में डालकर मदद की होगी, तो कौन सा ऐसा? जी लगभग 2007 में हमने एसटीएफ में योगदान दिया हुआ था, तो 2007 में खगड़िया में हमने इनकाउंटर किया था, 7 अपराधी मारे गए थे, उसमें बड़ी भारी मात्रा में मतलब बिहार पुलिस की 4 पुलिस राइफल की रिकवरी हुई थी और उसमें हमको गैलेंट्री अवार्ड भी मिला हुआ है, तो उसी गैलेंट्री अवार्ड के आलोक में जल्दी जल्दी प्रमोशन भी होते चला गया, ठीक है। और अभी हमारे बैच के लोग बल्लार में ही हैं, लेकिन गैलेंट्री अवार्ड के चलते इंस्पेक्टर में हाँ जल्दी जल्दी प्रमोशन होता चला गया। अभी चूँकि प्रमोशन हुआ है तो बिहार सीनियरिटी 1 नंबर पर ही है मेरा, प्रमोशन हुआ पूरे बिहार में तो 1 नंबर मेरा ही सीनियरिटी है। इसके बाद आपका क्या और हो सकता है, कहाँ पर आपका प्रमोटी होगा? जी अभी 12 साल सेवा बचा हुआ है, हमें लगता है कि 1.5 या 2 साल में अगर बीएमपी में 5 सूबेदार मेजर का भी पोस्ट है तो सूबेदार मेजर बन सकते हैं और लास्ट में 12 साल की नौकरी है, से आशा है कि डीएसपी तक लोग जा सकते हैं। देखिए यही वो मंच है कि कुछ देर के बाद यहाँ पर कार्यक्रम होगा, यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक हैं जो बीएमपी के, वो यहाँ पर आकर के इसको एक सैल्यूट देंगे और यहाँ पर तमाम देखे वो तमाम पुलिसकर्मी जो पैरेड में शामिल हैं वो आपको आज, क्योंकि आज बहुत गर्व और खुशी का विषय होता है जब स्थापना दिवस होता है, एक एक पुलिसकर्मी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता है और यहाँ के अधिकारी जब उनको प्रमोशन देते हैं, उन्हें बधाई देते हैं, तो उन्हें अंदर से एक और एनर्जी मिलती है बेहतर काम करने का, क्योंकि बीएमपी 13 के जो अधिकारी हैं उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी, जब बहुत बड़ी आपदा होती है, बड़ी दुर्घटना होती है, बड़े जब कोई ऐसा मिशन होता है उसमें इन लोगों को लगाया जाता है। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।